और फ्रेंड्स ये देखिए फाइनली प्रोडक्ट अनरिवील। सबसे पहली बात इसकी लैब रिपोर्ट जो इसकी ओरिजिनलिटी को दिखाता है। जो ये घी है वो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में प्रिपेयर होता है। कलर टेक्सचर है, जो टेस्ट है वो सीजन टू सीजन वेरी कर सकता है। गिर काउ A2 वैदिक घी है और आप नीचे एक लाइन देख सकते हैं मेड बाय ट्रेडिशनल बिलोना मेथड से प्रिपेयर किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था, बहुत ज्यादा इंस्पायर था, क्योंकि जो आज की वीडियो होने वाली है ना वो होने वाली है वन ऑफ द ग्रेट इन्फ्लुएंसर, वन ऑफ द ग्रेट यूथ आइकन एंड ही इज लाइक बिग ब्रदर टू मी। उनका नाम है गौरव तनेजा सर और हाल फिलहाल में उन्होंने लास्ट वीक A2 घी लॉन्च किया है और उसी के ऊपर आज ये वीडियो होने वाली है। वही हमने घी मंगाया है और एज अ फूड ब्लॉगर मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो के जरिए मैं उन तक पहुंच पाऊंगा। तो मैंने फटाफट ज़्यादा देर नहीं करी, उनकी साइट रोजियर फूड से A2 घी मंगा लिया। और जैसे कि गौरव सर ने अपने व्लॉग में बताया है, जो ये जो घी है वो बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से तैयार किया उन्होंने। गिर काऊ है उससे तैयार होता है और उसमें A2 प्रोटीन होता है। हैं देसी नस्ल की A2 गिर काऊ गाय, इनका दूध अच्छा क्यों माना जाता है क्योंकि इनके दूध में A2 प्रोटीन होता है, जो कि एज कंपैरिजन टू जो अदर घी होते हैं, जो इसमें A2 प्रोटीन होता है वो हमारे डाइजेस्टिव के लिए बहुत अच्छा होता है, घी जल्दी पचता है। इसी चीज इन सब चीज़ों को ध्यान रख के गौरव सर ने ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और बहुत ट्रेडिशनल तरीके से तैयार किया जाता है। दही का जैसे बोलते हैं जामुन लगा के तैयार होता है, इसमें मिट्टी की एक सोनी खुशबू आने वाली है और सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। क्या प्राइस रहने वाला है, आप कहाँ से मंगा सकते हैं और अगर बात करें ऑथेंटिसिटी की तो जैसे कि आप देख रहे हैं गौरव सर ने लास्ट 1 ईयर से, अगर जो उनके व्लॉग्स फॉलो करते हैं तो लास्ट 1 ईयर से इस पर मेहनत कर रहे हैं और बहुत डेडिकेशन लगती है दोस्तों। और आज ये प्रोडक्ट लॉन्च किया उन्होंने तो ऑथेंटिसिटी पे तो सवाल पैदा ही नहीं होता। एंड फ्रेंड्स पैकेजिंग ओपन करते ही जो पहली चीज मेरे को दिखाई दी वो दिखाई दी लैब रिपोर्ट, AGSS एनालिटिकल एंड रिसर्च लैब की रिपोर्ट है और इसमें क्लियरली मेंशन है कितना इसमें मिल्क फैट रहने वाला है, कितना फ्री फैटी एसिड है, इसकी जो आयोडीन वैल्यू है वो कितनी है, सब कुछ इसमें मेंशन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। जो दोस्तों सेकंड चीज़ मेरे को इसमें मिली वो मिली ये छोटा सा मेरे को एक कार्ड है जिसके ऊपर मेंशन है जो ये घी है वो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में प्रिपेयर होता है। तो जो इसका अरोमा कलर टेक्सचर है जो टेस्ट है वो सीजन टू सीजन वेरी कर सकता है, इसलिए जो आप ये फोटो देख रहे हैं उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि जो देखिए कई बार जो सीजन होगा तो थोड़ा डार्क येलो घी आएगा और दूसरी साइड जो एक फोटो मेंशन है उसमें दिखाएगी लाइट येलो घी भी मिलेगा। पैकेजिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है और फ्रेंड्स ये देखिए फाइनली प्रोडक्ट अनरिवील्ड और इसकी पैकेजिंग देखिए आप, मतलब बस देख के दिल खुश हो गया, खाने का मन कर रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए जो घी की फर्स्ट पैकेजिंग है उसके ऊपर आप देख पाते हैं, सबसे पहले कंपनी का जो लोगो है वो है रोजियर नेचर्स लव और उसके बाद आप देखते हैं मेंशन करा गया है कि ये गिर काऊ A2 वैदिक घी है और आप नीचे एक लाइन देख सकते हैं वो है मेड बाय ट्रेडिशनल बिलोना मेथड से प्रिपेयर किया है और बहुत सुंदर पैकेजिंग है। शायद पीछे फार्म को दिखाया है, काउस को दिखाया है। उसके बाद अगर आप पीछे जाएंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन सब कुछ दिखा रखा है, कब ये पैक हुआ, क्या बैच नंबर है। जो बेस्ट पार्ट मेरे को वो लगा वो दिखा कि इस जो इसकी एक्सपायरी है वो 12 मंथ्स तक है। जो मेन चीज़ ना वो इसका वो दिखा रहा है इंग्रेडिएंट्स, गिर काऊ मिल्क से तैयार होता है, जो कि इसकी ऑथेंटिसिटी और इसकी ओरिजिनलिटी कितना प्योर घी है वो दिखाता है। मतलब सबसे पहले ना पैकेजिंग ने मेरा बहुत दिल जीत लिया। चलिए इसको ओपन करते हैं। मतलब अगर आप प्राइस ले रहे हैं, कोई क्वालिटी ले रहे हैं तो ये नहीं है कि पैकेजिंग डाउन कर दी, पैकेजिंग इतनी सॉलिड है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। भाई मैं आपको ना लिटरली बता रहा हूँ, बहुत टाइम बाद इतनी सौंधी सौंधी घी की खुशबू आई है, मतलब
मैंने लास्ट टाइम इतनी सोनी खुशबू तब मेरे को आई थी जब जैसे हम कभी घर में हम घी तैयार करते थे ना, अभी बहुत टाइम हो गया हमने घर में घी प्रिपेयर नहीं किया। जो कलर है ना, मतलब लिटरली बहुत टाइम बाद ऐसा टेक्सचर, ऐसी थिकनेस देखी है मैंने। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस घी की थिकनेस है ना, ये देखिए। और आप वीडियो में मत देखना, मतलब सोचना कि कैमरे की वजह से जो इसका कलर है वो आ रहा है, लिटरली में जो इसका कलर है ना वो प्रॉपर येलो है। मतलब बहुत सुपर क्वालिटी है, मतलब हाई रिच प्रिपरेशन है ना, ये देखिए। तो दोस्तों अब आती है इसकी सबसे, जो वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसका टेस्ट। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा हलवा प्रिपेयर करूं, उसमें घी डाल के प्रिपेयर करूं। फिर एक और दिमाग में आइडिया आया कि थोड़े से मैं मतलब मेरा फास्ट चल रहा है, नवरात्रि चल रहे हैं, कि मखाने लूं थोड़ा घी डालूं। फिर मैंने सोचा यार ऐसे तो मतलब पता नहीं चलेगा जड़ में जाने, क्योंकि पता है आपको हमारा काम है कि अंदर तक घुस के नाप लगे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे ही एक स्पून लेते हैं और ऐसे ही आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि क्या है क्या ना। मतलब एक्चुअली मैंने कभी ऐसे इसको टेस्ट नहीं किया, बट अब वीडियो बना रहे हैं तो टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन टेस्ट, एकदम सुपर क्रीमी इसको बोलते हैं ना, मतलब जैसे हम दही खाते हैं एकदम वैसे, एकदम सीधा अंदर गया पेट में। और ये सही तरीका था आप तक इस जायके को पहुंचाना, इस टेस्ट को पहुंचाना। और बहुत बेहतरीन टेस्ट है घी का। और आप भी यहां से मंगाएं rozierfood.com से। और अभी जो जो घी है, जैसे कि गौर सर ने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, और मेरे को लग रहा है कि एक हफ्ते तक इसका फुल स्टॉक आ जाएगा। और आप भी मंगाएं, थोड़ा सा कॉस्टली है एक जो फीडबैक है, बट कॉस्टली क्यों है उसके पीछे कारण है, प्योरिटी का जो कारण है ना वो है। और ये कुछ 1365 का मेरे को हाफ केजी मिला, तो डिफरेंस तो है, लेकिन डिफरेंस क्यों है वो एक बहुत बड़ी कहानी है। प्योरिटी है, और जो इसका जो प्रिपरेशन है, बिलोना मेथड जो है जिससे ये तैयार हुआ है, जो गिर गांव है, गाय का घी है, ये सब ओरिजिनलिटी है। तो दोस्तों यही वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने छोटे भाई को बहुत बहुत सारा प्यार दें, और ये वीडियो गौरव सर तक जरूर जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।